दुबई में कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने। ये मैच राजस्थान के लिए जितना जरूरी उतना ही कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए जरूरी। टूर्नामेंट के शुरुआत में किस्मत थोड़ा साथ दे गई कोलकाता नाइट राइडर्स का और राजस्थान रॉयल्स के लिए सेकेंड हाफ में बेन स्टोक्स का जबरदस्त फॉर्म में लौटना ये टॉप स्टोरी रही है। लेकिन अब बात बहुत सिंपल है, आज हारे तो भाई काम हो जाएगा तमाम। अजीत आगरकर हमें इस प्रीव्यू की तमाम बातें बताएंगे। माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी पर। अजीत, कई बार ये पॉइंट्स टेबल की गतिविधियां बहुत सारे व्यूअर्स को, क्रिकेट फैंस को, फॉलोअर्स को कंफ्यूज करती है, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल सिंपल है, जो हारेगा वो घर जाएगा। क्या माहौल होता है जब इस तरह के मस्ट विन मुकाबले होते हैं? आप तो खेल चुके हैं हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में। देखिए, आई थिंक दोनों टीमों के लिए इस वक्त मस्ट विन है और राजस्थान के लिए मस्ट विन पिछला गेम भी था, तो जिस तरीके से वो खेले आई थिंक वही चीज है, आपके जो कंट्रोल में आप वो कर सकते हो। खेल तो बैट और बॉल का ही है, जो प्रेशर बेटर हैंडल करता है उस वक्त। ठीक है, बातें तो वही होती है, टीम जिस टीम के खिलाफ आप खेल रहे हो उनके खिलाफ आप प्लान्स बनाते हो, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है आप शायद वो प्लान्स चेंज करते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो, बाकी कुछ तो चेंज नहीं होता। जो प्रेशर में डिसीजन मेकिंग जिसका बेहतर होता है वो उस दिन जीतता है, और जो टीम बेहतर हैंडल कर पाएगी प्रेशर, क्योंकि पता है कि आप इस वक्त स्लिप अप्स हो नहीं सकते, ज़्यादा गलतियाँ कर नहीं सकते पिच पर, और वो जो कम गलतियां करेगी टीम वो जीत जाएगी उस दिन। आंद्रे रसेल मैच विनर रहे हैं पिछले सीजन के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, लेकिन इस सीजन उनका फॉर्म थोड़ा सा बेरंग और फीका रहा, इंजरी हुई। ये मानकर चले अजीत के आंद्रे रसेल फिट है तो क्या उनको लाया जाए? अगर हाँ तो किसे रिप्लेस करें, फर्गसन, कमिंस या नरेन? बहुत मुश्किल डिसीजन है, लेकिन अगर आंद्रे रसेल फिट है तो उनको जरूर लाना चाहिए। आई थिंक हम देख रहे हैं कि कोलकाता की बल्लेबाजी एक या दो प्लेयर पे बहुत निर्भर करती है या ज़्यादा दबाव आ जाता है उन प्लेयर्स पे, और आंद्रे रसेल ऐसे प्लेयर है कि मस्ट विन सिचुएशन में तो क्या कभी भी T20 क्रिकेट में आप उनको बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि उनके दिन पे वो मैच जिता देंगे। किसके जगह पे आ सकते हैं, बहुत ही मुश्किल डिसीजन है उनके लिए, लेकिन अगर पूरा आप देखें तो शायद लॉकी फर्ग्यूसन या सुनील नारायण के दोनों के बीच एक किसी को मिस करना होगा। बहुत डिपेंड भी ये करेगा कि क्या आंद्रे रसेल गेंदबाजी कर सकते हैं या सिर्फ बल्लेबाजी करेंगे, तो उनके फिटनेस के ऊपर भी निर्भर होगा। लेकिन वो फिट होंगे तो देखिए, चार ओवरसीज प्लेयर्स खेलते हैं, अगर आंद्रे रसेल फिट हो, मैंने पहले भी कहा था कि किसी को भी ड्रॉप कर ले, लेकिन आंद्रे रसेल को खिलाना जरूरी। ऑल आउट जाना पड़ेगा कोलकाता नाइट राइडर्स को, अगर ये फैसला ना कर पाए तो शायद टॉस कर ले ऑन मॉर्गन, क्योंकि वैसे तो बड़ा मुश्किल है फैसला, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को भी एक फैसला लेना है। वरुण एरन महंगे जरूर साबित हुए, किस्मत उनकी अच्छी नहीं थी, क्रिस गेल का विकेट उनको मिला नहीं, क्या उन्हें कंटिन्यू करें या फिर राजपूत की ओर फिर से देखें, क्योंकि इतनी बुरी गेंदबाजी नहीं थी, क्योंकि क्रिस गेल जैसे महारत ही सामने थे उनके पिछली बार। नहीं, बिल्कुल गेंदबाजी ख़राब नहीं थी, एक्चुअली थोड़े से अनलकी भी रहे थे, एक तो कैच तो छूटा था लेकिन एजेस भी गए थे, और ये सब हो सकता है T20 में। लेकिन आप हर मैच में अगर अलग अलग गेंदबाज को खिलाओगे, देखिए अगर कंडीशन स्लो हुई और आप उनाडकट की तरफ देख रहा चाहते हो कि गेंद अगर फंस रही हो पिच में, तो अलग बात है। गेंदबाजी उतनी ख़राब नहीं थी, रन ज़रूर गए होंगे उनके ओवर्स में, और T20 क्रिकेट में कभी कभी होता है कि आप गेंदबाजी उतनी ख़राब नहीं करते, बट फिर भी आपके एनालिसिस उतने अच्छे दिखते नहीं है, तो मेरा मानना है उनको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकेट टेकिंग एक ऑप्शन है, क्योंकि तेज़ गति से करते हैं और जब अच्छे लय में होते हैं, अच्छी लाइन लेंथ उनकी हो जाती है, तो विकेट लेने का ज़रूर उनके पास मौका होता है, तो जो भी आपके विकेट टेकर्स है बेहतर उस वक्त खेलना चाहिए, और अभी एक मैच खेले, रिदम शायद बेटर फील कर रहे होंगे, तो उनको ड्रॉप करके जो जिसका कॉन्फिडेंस कम है, जिसको आपने पिछले मैच में ड्रॉप किया है, उसको लाने का तो कोई मतलब है ही नहीं। कोलकाता नाइट राइडर्स अगर किंग्स इलेवन पंजाब के पिछले मैच के पहले इनिंग्स की हाइलाइट्स देख ले तो उन्हें शायद ये समझ में आ जाएगा कि जोफ्रा आर्चर का सामना कैसे करे। 41 वर्षीय क्रिस गेल ने अजीत उनका पूरा तजुर्बा दिखाया, बड़ी इंटेलिजेंस दिखाई, अपने ईगो को सामने नहीं आने दिया, चुपचाप जोफ्रा आर्चर के वो ओवर खेलते गए, क्या वही अप्रोच सही अगर जोफ्रा आर्चर की कहर से बचना है तो? शायद, क्योंकि एक बहुत यूनिक गेंदबाज है आई थिंक, और उनका इम्पैक्ट जो शुरू में रहा है जो विकेट लेने का, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है जैसे राजस्थान रॉयल्स खेलते हैं, क्योंकि फिर आप गेम सेट कर सकते हो, बाकी के गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है जब विकेट गिरती है, तो मे भी थोड़ा सा वॉचफुल आप हो सकते हैं,
लेकिन फिर भी आप एक बॉलर के खिलाफ ही खेल रहे हो, अगर बॉल है आप स्कोरिंग शॉट है आपके पास तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उससे और भी दबाव आ जाएगा राजस्थान रॉयल्स पे। तो ऐसा नहीं है कि आप आर्चर को मार ही नहीं सकते, जितने कम विकटें देंगे उतना अच्छा है, क्योंकि फिर अब हमने देखा है कि बाकी के बॉलर शायद स्ट्रगल कर रहे हैं उतने विकटें लेने के लिए राजस्थान रॉयल्स के लिए, और फिर आप रन बना सकते हैं। तो ये बात नहीं है कि आप उनके खिलाफ रन ही नहीं बना सकते, लेकिन आपका शॉट सिलेक्शन और समझदारी अगर होगी खेलते वक्त तो जरूर टीम को फायदा होगा। पांचवा और आखिरी पॉइंट, अब क्योंकि मैच दुबई में है, नाइट मैच है, ड्यू एक फैक्टर हो सकता है, तो टॉस कितना बड़ा फैक्टर आपके हिसाब से? ये सडनली पिछले एक वीक एक हफ्ते में या दो दस बारह दिन में थोड़ा सा चेंज हो गया टूर्नामेंट। इनफैक्ट कल जो अबू धाबी में मैच हुआ था, मैंने पिच देखी थी वो, और ड्राई लग रही थी, लेकिन शाम को बेहतर खेली क्योंकि ड्यू आ रहा है, बॉल स्किड कर रहा है पिच में से, बल्लेबाजी के लिए बेहतर हो रहा है, शायद दुबई में भी वही हो रहा है, और सेकंड बैटिंग जो कर रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है। तो टॉस इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं उम्मीद करूँगा कि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमेशा ऐसे होना चाहिए कि टॉस चाहे फेवरेबल हो लेकिन मैच को डिसाइड नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके इतना इम्पॉर्टेंट मैच जो है, टॉस की वजह से एक टीम को ज़्यादा नुकसान होना नहीं चाहिए। तो उम्मीद करेंगे, देखिए कंट्रोल तो है नहीं ड्यू पे या वेदर पे किसी का, तो उम्मीद करेंगे कि कम ड्यू है तो उतना फ़र्क ना पड़े मैच में, लेकिन इस वक्त लग रहा है क्योंकि मौसम यहाँ चेंज हो गया है, थोड़ी ठंड हवा चल रही है, तो शायद फ़र्क ज़रूर पड़ा है कि जितना ड्यू पहले था उससे कहीं ज़्यादा है। कोलकाता नाइट राइडर्स क्या एन वक्त पर पांचवा गियर हिट करके प्लेऑफ्स तक पहुंच जाएंगे? मुकाबला जीतना बहुत जरूरी। दूसरी ओर बेन स्टोक्स के फॉर्म से आत्मविश्वास बढ़ा है राजस्थान रॉयल्स का, मुकाबला जबरदस्त होने वाला है, दुबई में टक्कर कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स की। लेकिन फिलहाल अजीत, थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन माय 11 सर्कल प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी।